नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। एक और अच्छी चीज निकल कर आ रही है जिसका हमें वेट था। आपको पता है कि फॉरेस्ट गार्ड के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें वरीयता क्रम को लेकर जो समस्याएं चल रही थी, MPESB ने इसको सॉल्यूशन कर दिया है। आप जैसे ही आपके ब्राउजर पर जाओगे, आप MPESB डालोगे, आप MPESB डालते ही आप देखोगे इस तरह का कुछ इंटरफेस खुलेगा। आप जैसे ही इस पर टच करोगे, आपको ये हमारा जो होम पेज है ESB का, ये खुल जाएगा। इसमें आपको जाना है वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक कार्यपालक वन विभाग की जो भर्ती है, इसमें आपको जाना है सबसे नीचे रिगार्डिंग प्रेफरेंस चॉइस एंड रूल बुक अमेंडमेंट, यानी जो संशोधित रूल बुक है इसको डाउनलोड कर लेना है। और ये इस तरह की कुछ आपको खुली हुई देखने को मिलेगी। इसमें साफ लिखा हुआ है, यदि आप देखो, जूम कर देता हूं मैं तो आपको और नजर आएगा। इसमें साफ लिखा हुआ है कि वन विभाग के वन रक्षक पदों के लिए आवेदक आवेदन करते समय नियुक्ति हेतु एक से अधिक जिलों का प्राथमिकता क्रम दर्शाते हुए चयन कर सकेगा। आवेदक की मेरिट एवं आवेदित जिलों में जो प्राथमिकता क्रम है उसके अनुसार केवल एक जिले हेतु ही उसको चयनित किया जाएगा। ठीक है, बाकी शर्तें जो है वो सेम रहेंगी। पुस्तिका जो जारी हुई थी, जो नियम पुस्तिका जारी हुई थी, उसके अध्याय एक एक की कंडिका 1.76 में जो है ये चेंज किया गया है। देखो, है ना, तो ये जो है ये आपकी संशोधित है। ये कौन सी आपकी संशोधित है? ये तो हमने ज्यों का तो रखा है, इस वाली कंडी जो प्रावधान था इसमें चेंज कर दिया है। क्या चेंज कर दिया है सर, देख लेते हैं हम। देखो, पहले क्या लिखा हुआ था, पहले ये लिखा हुआ था आवेदक, देखो इसमें क्या लिखा था, आवेदक उसी जिले के रिक्त पदों के विरुद्ध प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने का पात्र होगा। कौन सा? वो जिस जिले का चयन कर रहा है, एवं चयनित उम्मीदवारों को उसी जिले में नियुक्ति दी जाएगी। एक से अधिक जिले के लिए आवेदन करने पर ऐसे आवेदन अमान्य कर दिए जाएंगे। इसका ही संशोधन जो सिक्स वाला पोर्शन है, इसका ही संशोधन इसमें किया गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, आवेदक आवेदन करते समय नियुक्ति हेतु एक से अधिक जिलों का वरीयता क्रम दर्शाते हुए चयन कर सकेगा। आवेदक की मेरिट एवं आवेदित जिलों में से प्राथमिकता क्रम अनुसार केवल एक जिले हेतु, मतलब उसको चयन एक जिले में किया जाएगा, लेकिन वह वरीयता क्रम जो है अपना भर सकता है। तो ये देखो, फिर ये खबर आ गई है फॉरेस्ट गार्ड में, जो आपको समस्या थी उसका भी सोल्यूशन ESB ने कर दिया है। और ये जो सोल्यूशन गया है ये बच्चों के पक्ष में गया है। थैंक यू सो मच। यदि आप MP का करंट अफेयर चाहते हैं, है ना, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।